वेलकम टू सीमास क्रिएटिविटी। महाराष्ट्र में पुरणपोली हर फेस्टिवल पे सबसे ज्यादा बनाई जाने वाली स्वीट डिश है, और आज की इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि पुरन को हम बहुत ही आसान तरीके से कैसे बना सकते हैं, वो भी बिना मिक्सी के और बिना पुरन पात्र के। ये बहुत ही आसान तरीका है, तो चलिए देखते हैं कि इतना सॉफ्ट पुरन हम बिना मिक्सी और बिना पुरन पात्र के कैसे बनाएं। यहाँ पे मैंने एक बाटी चना दाल ली है, इसको मैंने पहले से यहाँ पे पका के रखा हुआ है। एक बाटी चना दाल के लिए मैंने डेढ़ बाटी पानी लिया था। तीन से चार कुकर की सीटी के बाद ये पक के तैयार है। अब हम इसमें एक बाटी चना दाल के लिए तीन चौथाई गुड़ ऐड करेंगे। गुड़ को हमें दाल जब तक गर्म है तभी इसमें ऐड करना है, और इसको गैस पे ही रहने देना है ताकि गुड़ इसमें मेल्ट हो जाए। अब हम इसमें जायफल इलायची का पाउडर ऐड करेंगे ताकि इसको बहुत ही अच्छी टेस्ट आएगी। यहाँ पे हमने केसर भी ऐड किया है, आप चाहे तो डाल सकते हो या नहीं भी डाल सकते हो। यहाँ पे मैंने गुड़ कम डाला था क्योंकि जो भी हर बार हम पूरन बनाते हैं तो सिर्फ गुड़ या सिर्फ शक्कर का बनाने के बजाय हम गुड़ और शक्कर ऐड करेंगे तो पूरन और भी अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने गुड़ कम डाला था और मैं यहाँ पे और दो से तीन टेबलस्पून शक्कर ऐड कर रही हूँ। अभी हमें शक्कर और गुड़ मेल्ट होने देना है। शक्कर और गुड़ मेल्ट होने के बाद हम इसे इस तरह ब्लेंडर से ब्लेंड कर लेंगे। आप देख सकते हो ब्लेंडर का ये फर्स्ट अटैचमेंट मैंने यहाँ पे यूज किया है। आपको ये गुड़ और शक्कर मेल्ट होने के बाद गर्म गर्म ही ब्लेंड करना है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए और सॉफ्ट बन जाए। ये पतला होने के कारण बहुत ही अच्छा सॉफ्ट बनता है और जल्दी ही ब्लेंड हो जाता है। दो मिनट के बाद आप देख सकते हो हमारा पूरन एकदम सॉफ्ट बन गया है। अब हम इसे फिर से गैस पे रख के होने देंगे। दो मिनट बाद हमें इसे देखते रहना है ताकि ये नीचे भी ना लगे। आप देख सकते हो ये धीरे धीरे अभी गाढ़ा होने लगा है। अभी इसका डो बनने तक हमें इसे गैस पर ही रखना है, और गैस की फ्लेम भी हमें धीमी ही रखना है। अब ये हमारा पूरन तैयार है, इसे एक प्लेट में निकाल के 5 मिनट के लिए ठंडा होने देंगे। 5 मिनट बाद आप देख सकते हो पूरन एकदम सॉफ्ट बना है और इसका टेक्सचर भी बहुत अच्छा आया है। आप इस तरीके से बहुत ही आसान तरीके से घर पे पूरन बना नहीं सकते हो, और इसकी चपाती भी आराम से बना सकते हो। इससे पूरन पोली बहुत ही सुंदर आती है, आप इसे घर पे जरूर ट्राई कीजिएगा। और मेरी ऐसी ही इजी टिप्स देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।